नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि कल से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कल से 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे और दो दिन बाद 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे। और जब बात बोर्ड के पेपर की आती है तो बच्चों को उनके रिजल्ट और उनके पेपर्स की चिंता होने लगती है कि उनका पेपर कैसा जाएगा, उनका रिजल्ट कैसा आएगा। और अगर बात मैथ्स के पेपर की जाए तो चिंता और भी बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ्स के पेपर को बिना टेंशन लिए हुए और बहुत ही आसानी से किस तरह से निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है उससे तो अच्छे ही नंबर आएंगे, ये गारंटी है। अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए कुछ टोटकों को या कह सकते हैं कुछ नियम को, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ उपाय को अगर आप फॉलो करते हैं मैथ्स के पेपर के पहले और मैथ्स के पेपर के दिन, अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका पेपर जितना आपने पढ़ा है उससे अच्छा ही जाएगा। इस उपाय को करने के बाद या इस टोटके को करने के बाद आपके जो भी अपने परसेंट सोचे हैं उससे ज़्यादा ही बनेंगे, ये श्योर है। तो अगर आप भी अपने परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो टोटके या वो उपाय क्या है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि जो भी आपका लास्ट पेपर होगा, लास्ट पेपर में किसको बोल रहा हूँ, जो मैथ्स के पहले पेपर होगा उसको मैं लास्ट पेपर बोल रहा हूँ। सपोज़ करिए आपका 4th पेपर मैथ्स का है, तो जो 3rd पेपर होगा उसके बाद से आपको ये काम करना है। करना क्या, आपको सिर्फ सौंफ खानी है। अब आप कहेंगे क्या सौंफ का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है, लेकिन अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने जो लास्ट पेपर है मैथ के पहले वाला पेपर, उसके बाद आप वैसे तो आप पूरे पेपर में खाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मैथ्स के पेपर के पहले वाले पेपर के बाद आप सौंफ खाना शुरू करिए। दूसरी बात, आप तो अपने राइट हैंड की जो कलाई है उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का धागा बांधिए। अगर पूरे टाइम बांधते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप पूरे टाइम नहीं बांधना चाहते तो वो 4-5 दिन का जो गैप रहेगा उसमें आप ज़रूर बांध दीजिए। आपने पहला तो क्या किया, सौंफ खाई, दूसरा आपने ग्रीन कलर का धागा आप अपनी कलाई पे बांध लीजिए। उसके बाद आप अपने जेब में एक रुमाल रखिए और वो रुमाल भी ग्रीन कलर का होना चाहिए। ये जो तीन चीज़ें हैं वो आप डेली जब तक गैप रहेगा, वैसे तो आपको पूरे एग्ज़ाम में ये उपाय करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स के पेपर के ड्यूरेशन में या मैथ पेपर के दौरान आप इस चीज़ को जरूर करिए। तो तीन चीज़ें हो गई, पहली हो गई आपने सौंफ का, दूसरा हो गया आपने का ग्रीन कलर के धागे का, और तीसरा हो गया आप ग्रीन कलर के रुमाल को अपने साथ रखने का, क्योंकि ग्रीन जो कलर है वो बुध ग्रह का कारक है, बुध ग्रह का कलर है, और बुध क्योंकि बुद्धि का कारक होता है और साथ में कैलकुलेशन जो स्किल होती है वो बुध देता है, और आपको ये पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ये जो ग्रीन कलर है वो कैलकुलेशन स्किल को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी जो तार्किक शक्ति है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको भी ये ग्रीन कलर बढ़ाता है। और आपको मालूम ही है कि मैथमेटिक के अंदर कैलकुलेशन स्किल और सोचने समझने की जो शक्ति है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमको कोई क्वेश्चन या कोई सम्स जो है एक मेथड से नहीं आता तो हमें दूसरी मेथड से करना होता है, यानी नई नई चीज़ें हमको सोचना पड़ता है। इस कारण से अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए, ये तो हो गए तीन चीज़ें। चौथी चीज़ बताता हूँ, आप इन दिनों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि आप अपने साथ पानी की बॉटल को हमेशा रखिए, और हर 10-15 मिनट के बीच में आप उस पानी की बॉटल से या पानी के गिलास से आप पानी थोड़ा थोड़ा पीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब मैथमेटिक हम पेपर करते हैं या मैथमेटिक की प्रिपरेशन करते हैं उस समय हमारा दिमाग ज़्यादा वर्क करता है, और दिमाग जब ज़्यादा वर्क करता है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप पानी पियेंगे, रेगुलर पियेंगे और थोड़ा ज़्यादा पियेंगे, तो आपके दिमाग को जो ऑक्सीजन चाहिए वो इससे मिलती रहेगी। और आपको ये भी मालूम है कि एग्ज़ाम हॉल में भी आप पानी की बॉटल ले जा सकते हैं, तो आप पानी की बॉटल बिल्कुल ले जाइए एग्ज़ाम हॉल में, और हर 10-15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में आप एक सिप पानी की ले लीजिए। उससे आपको एक तो घबराहट नहीं होगी, और जब घबराहट नहीं होगी तो आप कंसंट्रेट होकर आप अपने पेपर को कर पाएंगे।
और कंसेंट्रेट जब रहेंगे तो आपको जो चीज़ें याद नहीं है वो भी आने लगेगी। तो चलिए ये तो हो गए कुछ ऐसे उपाय जो मैथ के पेपर के पहले आप कर सकते हैं या मैथ के पेपर के दौरान भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको हर पेपर में ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैथ के पेपर के दिन आप ज़रूर इसको करिएगा। आप अपने रूम में जब इंटर करें, यानी जिस रूम में आपका रोल नंबर हो उसमें जब आप इंटर करें, तो आप उस रूम के जो गेट है या उसकी जो दहलीज होती है उसको ज़रूर आप अपने, जैसे अपन प्रणाम करते हैं किसी को, ऐसा ज़रूर प्रणाम करिए। आपको शर्म आती, कुछ लोगों को क्या शर्म आती कि यार कैसे हम सबके सामने से प्रणाम करेंगे, तो आप जो गेट है गेट को प्रणाम करके ऐसे वाईफाई प्रणाम कर लेना। मैं समझ रहा वाईफाई, यानी बिना टच की वो प्रणाम करने को आजकल वाईफाई प्रणाम बोलते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और जब आप सीट पर आप जाके अपने बैठेंगे तो आप वहाँ पर एक मिनट के लिए या आधा मिनट के जितने भी आपको लगता हो, आप आँखें बंद करके और वहाँ पर मौजूद जितनी भी शक्तियाँ हैं, आपको नहीं मालूम शायद, लेकिन हर जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जीज होती है, कोई चाहे कोई सी भी जगह पे आप रहते हों या पढ़ते हों लिखते हो कुछ भी, तो आप वहाँ जाकर एक मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए या पाँच मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके और जो वहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उनको आप ध्यान करेंगे, उनका ध्यान करके उनसे आप आशीर्वाद लेंगे कि मेरा पेपर बहुत अच्छे से चला जाए। और देखिएगा आप, अगर आप ऐसा करेंगे दिल से, तो वो जो शक्तियाँ हैं वहाँ पर, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको ज़रूर काम करेगी, आपके साथ ज़रूर काम करेगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें हम पढ़ के तो जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हमें याद नहीं आती। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो जो आपका ध्यान है, वो आपको वो पढ़ी हुई चीज़ों को याद दिला देगा, और जब याद आ जाएगी तो आप इजीली लिख पाएंगे उसको। तो ये थे कुछ उपाय और टोटके, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।